फेडरल मुगल गिट सिंह। तो फेडरल मुगल मैं आज लाया हूं और ये स्टॉक देखिए मैंने पहली बार दिसंबर 2022 में दिया था और ये स्टॉक काफी सुर्खियों में भी रहा हुआ है, कुछ कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से भी, और ओवरऑल काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद लास्ट टाइम भी ये बहुत अच्छा मूव दिया था और ऊपर मतलब 667 तक गया और वहां से फिर से ये स्टॉक करेक्ट हुआ है और करेक्ट होके अब ऐसे लेवल पे आ गया कि जहां पे अब डाउनसाइड रिस्क कम है इसलिए स्टॉक को लाया गया है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स वैसे ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं और ऑटो नंबर्स भी आ रहे हैं हम देख रहे हैं, सो ओवरऑल आई फील कि इट कैन बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड बेट। और डाउनसाइड रिस्क जब नहीं होती है और मार्केट्स ऐसे एक्सुबरेंस में है और ऐसा स्मॉल कैप मिड कैप, कल भी स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऑलमोस्ट हाई से एक पॉइंट रह गया था एनएसई स्मॉल कैप इंडेक्स, मतलब 13078 और 13079, तो मुझे लगता है कि और भी यहाँ पे इन टाइप के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। 1-2000 करोड़ की मार्केट कैप है और 432 का 52 वीक हाईज है और वहां से करेक्ट होके इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव हो गया और 390 410 का टारगेट पहले तो लगाए। और अब मैं आ जाता हूं एक बार इसके फंडामेंटल्स पे और बैकग्राउंड पे। देखिए कंपनी काफी पुरानी है, 1954 से कंपनी कार्यरत है और जर्मनी की एक गिट्ज़े वर्के बोल के कंपनी है, उसका एक सब्सिडियरी है और ओवरऑल एक बहुत बढ़िया पेडिग्री जब आ जाती है तो एक कॉन्फिडेंस और आता है, तो एमएनसी क्वालिटी का स्टॉक है और सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है पिस्टन और पिस्टन रिंग्स में इंडिया में और बड़ा मार्केट शेयर है 30% से ज्यादा भी, और आफ्टर मार्केट शेयर भी कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत बड़ा है इनका, और डीजल पिस्टन्स और पिस्टन रिंग्स और वेल्व सीट्स और गाइड सेगमेंट्स ये सब सेगमेंट में है, ये सब बनाती है। और अच्छा इनका एक तो ओईएम्स का जो बेस है कस्टमर बेस वो बहुत स्ट्रांग है, एमएनएम बजाज ऑटो मारुति टाटा मोटर्स ये सब है और अच्छे इनफैक्ट इनके साथ रिलेशनशिप की वजह से कंटिन्यूअसली बहुत बढ़िया वो रहता है इनका ऑर्डर बुक भी। और सबसे बढ़िया बात है इनका जो Q1 FY 2023 था उसमें हाईएस्ट एवर कंपनी ने टॉप लाइन दी है और मैं देख रहा था ओवरऑल जो इनका रिजल्ट्स है या फंडामेंटल्स वो बहुत अट्रैक्टिव है। 17 के पी मल्टीपल पे एक एमएनसी क्वालिटी का स्टॉक सस्ता लगता मुझे और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 15% के लगभग है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 45%, पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर 15% और 3-4 साल में पोस्ट कोरोना ऑलमोस्ट डेट्स को जीरो करके अब नेग्लिजिबल डेट्स पे आ गया, सिर्फ 8 के नेग्लिजिबल डेट पे, 8 करोड़ के डेट पे। पियोत्रोस की स्कोर जो कि हाईएस्ट है 9 वो इसका कंपनी का है, इसमें सारी चीजें आ जाती है, स्कोर को मैं काफी देखता हूं। और सबसे बढ़िया बात है कंपनी की ग्रोथ के बाद जो मैंने अभी बताया क्वार्टरली रिजल्ट्स में जून के क्वार्टर में हाईएस्ट टॉप लाइन रही है और प्रॉफिट्स भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट ही थे, लास्ट क्वार्टर में एक्चुअली हायर प्रॉफिट्स थे बट पिछले 2 क्वार्टर बहुत बढ़िया गए। और ओवरऑल अगर हम टीटीएम बेसिस पे देखें और जून 2022 में 21 करोड़ के पैट के सामने जून 2023 में 31 करोड़ का पैट और 117 करोड़ का पैट टीटीएम बेसिस पे है, सो दैट इज अगेन अमेजिंग। और 75% शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की होने के बाद जो जर्मन इनकी फेडरल मुगल होल्डिंग्स है उनकी 60% की होल्डिंग और जो उनकी दूसरी पेरेंट है 14.93 वो होल्डिंग है, FIIDIs करीब 2% के लगभग होल्ड करते हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग में एक मेजर शेयर होल्डर है जिनके पास 8-9% के लगभग होल्डिंग है। और तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि काफी स्ट्रांग हैंड्स में ये स्टॉक है और मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लोटिंग स्टॉक वैसे मैं बोलूंगा कि नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बढ़िया है, बढ़िया लेवल पे है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स तो वैसे ही बढ़िया चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक इन लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए और 390-410 के टारगेट के लिए।